बैठ जाओ। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्य या दासी का मान क्या और अपमान क्या? दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। हेलो दोस्तों, एक समय ऐसा था जब लोगों को उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था जब महाभारत सीरियल टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता था। रामानंद सागर की रामायण की तरह ही बीआर चोपड़ा की महाभारत को भी लोगों ने बहुत सराहा था। उस समय लोगों को समझ नहीं आता था कि महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, द्रौपदी बनी रूपा गांगुली और भीष्म पितामह बने मुकेश खन्ना तक कोई एक इंसान किरदार निभा रहा है। वह तो सच में उन्हें भगवान मानने लगे थे। लोग नीतीश भारद्वाज को कृष्ण की तरह पूजने लगे थे तो दुर्योधन का किरदार निभाने वाले अभिनेता पुनीत सर से नफरत करने लगे थे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस वजह से वह जेल तक पहुंच गए थे? आइए आपको आज इस किस्से के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विक्की सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिल्मी टॉक। अर्जुन ठीक कहते हैं महाराज। आपके लिए तो सदैव अर्जुन ही ठीक कहते हैं काकाश्री। यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री नहीं खेलना चाहते तो न खेले, परंतु यदि द्युत क्रीड़ा। इस धारावाहिक में दुर्योधन बने पुनीत इस्सर के काम की तारीफ तो हुई, लेकिन उन्हें भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, जब उनका और रूपा गांगुली का चीरहरण वाला सीन टीवी पर प्रसारित हुआ था तब उनके खिलाफ वाराणसी में केस करा दिया था और कोर्ट ने भी अभिनेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। फिर एक दिन पुलिस अचानक अभिनेता के घर आई और उन्हें उठाकर जेल ले गई। इस घटना के बारे में पुनीत इस्सर ने एक चैट शो में बताया था कि महाभारत की शूटिंग जारी थी और एक दिन मैं घर से कहीं जा रोजा था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि क्या मैंने कोई सिग्नल तोड़ दिया है। इतने में उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ किसी ने कोर्ट में मामला दर्ज किया है और आपके नाम का वारंट भी जारी हुआ है। पुलिस ने बताया कि वाराणसी के एक व्यक्ति ने ऐसा किया है क्योंकि आपने जो द्रौपदी का चीरहरण किया था उससे वह इंसान काफ़ी दुखी हो गया। उसी दौरान पुनीत जी ने कहा। दोस्तों, पुनीत इस्सर ने आगे बताया कि उस वक्त तो केस जैसे तैसे रफा दफा हो गया, लेकिन फिर 28 साल बाद मेरे खिलाफ केस खुल गया। इसके बाद मुझे एक वकील से बात पूरे मामले में करनी पड़ी थी और बनारस जाना पड़ा था। फिर मुझे पता चला कि उस आदमी ने मेरे साथ सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए केस फिर से खुलवाया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं पुनीत इस्सर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।